ऐसा वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो के साथ बने रहें। अगर स्किप आप कर दीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में कमेंट करिएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं काइंड मास्टर से मस्त वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था एकदम हूबहू वैसा ही वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। ओके, मैंने अपने फ़ोन में पहले से ही काइंड मास्टर ऐप ओपन करके रखा हुआ था। जब भी आपको एडिट करना हो तो आप अपने फ़ोन में काइंड मास्टर ऐप एडिट ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है, ओके, इस प्लस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो आप ऑप्शन ले सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मीडिया बोल के एक फाइल आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आपका जहाँ पर हो, आप जिस फाइल में भी रखे हो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। मुझे जहाँ से लेना है मैं ले रहा हूँ, आपको जहाँ से भी जिस फोल्डर में आपको जो वीडियो एडिट करना है आप उस फाइल से ले सकते हैं। ओके, वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में कमेंट करिएगा कि क्या समझा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ओके, एकदम बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मुझे जो वीडियो एडिट करना है मैं उस वीडियो को ले लिया। ओके, यहाँ पर ओके बटन कर देंगे। ओके, उसके बाद जो इसका नीचे में वीडियो का लेयर बन चुका है उस लेयर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। क्रॉप ऑप्शन के बाद यहाँ पे बीच में इक्वल का ऑप्शन आ रहा है, इक्वल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम वीडियो को ये जो साइड में ब्लैक कलर का जो साइड में हिस्सा बना हुआ ना, इसको हम ढक देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप जितना चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा हम ढक देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एरिया आप अपना कवर कर लीजिएगा। ठीक है, एरिया कवर करने के बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेयर का जो ऑप्शन बन रहा है, लेयर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इफ़ेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद बेसिक इफ़ेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट वाला ब्लूअर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पूरा एरिया हम कवर कर देंगे। ठीक है, और जो नीचे में ब्लूअर का जो लेयर बना हुआ है इसे हम खींच के पूरा वीडियो का साइज़ का कर देंगे। ओके, देखिए पूरा ये ब्लूअर हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। फिर हम लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ओके, लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम मीडिया फाइल पे जाएंगे और जो वीडियो हमने लिया था एडिट के लिए फिर हम उसी वीडियो को लेंगे। ओके, उस वीडियो को ले लेंगे और यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। आप इसे चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा मस्त लगता है आप इसे बीच में सेंटर में रखें तो। ओके, और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अब हम लेते हैं जो मोबाइल का जो फ्रेम है उस फ्रेम को हम लेंगे। ठीक है, तो फिर हम मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद मैंने डाउनलोड करके पहले से ही रखा हुआ था तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये इसको हम इसके साइज़ के हिसाब से इसको हम साइज़ कर देंगे। ठीक है, इसको हम साइज़ कर देंगे। ओके, आप अपने हिसाब से इसे देख के अपने हिसाब से इसे आप साइज़ कर लीजिएगा। और साइज़ होने के बाद इसका भी जो नीचे में लेयर बन रहा है इसको भी हम वीडियो जितना बड़ा है उसके हिसाब से इसे हम बड़ा कर देंगे, उसके हिसाब से इसे हम सेट कर देंगे। ओके, सेट करने के बाद ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और ये फ्रेम अगर आपको अच्छा लगता हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसा बहुत सारा फ्रेम आप अदल बदल के लगा सकते हैं। अगर फ्रेम कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि फ्रेम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में सबका मैं लिंक दे दूँगा। तो एक बार वीडियो को हम प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद देखिए एकदम हूबहू हमारा वीडियो बन के रेडी है, एकदम वैसा ही वीडियो बन के रेडी है। अब इसे हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके, ओके करने के बाद
इसे हम फिर वीडियो को प्ले कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम काइन मास्टर ऐप से डाउनलोड वीडियो एडिट करते हैं तो एक वाटर मार्क बन के आता है, और देखिए यहाँ पे मेरा वाटर मार्क नहीं बन के आया हुआ है, ठीक है। तो इस वाटर मार्क को कैसे रिमूव करना है, कैसे जो प्रीमियम वर्जन आता है काइन मास्टर का वो हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार जाके आप देख लीजिएगा कि कैसे उस वाटर मार्क को डिलीट करते हैं, क्योंकि आप कितना भी अच्छा वीडियो एडिट कर लो वाटर मार्क जाता है तो एकदम भद्दा सा दिखता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।